हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल ये देखिए फ्रेंड्स आज मैंने कुछ प्लांट्स शॉपिंग की है वही मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स कि आप इस समय अभी कौन कौन से प्लांट्स खरीद सकते हैं और कौन कौन से प्लांट नर्सरी से नहीं खरीद सकते और इस समय मैं कौन कौन से प्लांट लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स वही मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर शेयर कमेंट्स करिएगा और अगर मेरे वीडियो पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके तो चलते हैं फ्रेंड्स मैं अपनी जो प्लांट शॉपिंग की हूँ मैं वही आप सबसे शेयर कर रही हूँ और इस समय आप कौन कौन से प्लांट ले सकते हैं मैं वो भी आप सबको बताऊँगी फ्रेंड्स तो चलते हैं फर्स्ट नंबर पर ये देखिए मेरा मैंने ये डॉग फ्लावर्स के दो प्लांट खरीदे हैं फ्रेंड्स और मैं गई थी इलाहाबाद हॉस्पिटल के लिए तो वहीं से आते हुए मुझे जो रास्ते में भीरपुर नर्सरी पड़ती है पटेल सॉरी पा, पांडे नर्सरी पड़ती है फ्रेंड्स वहीं से मैंने ख़रीदी है और ये मुझे तीस तीस, तीस रुपए में पड़ा है और इसकी एक ख़ास बात यह है फ्रेंड्स कि इसको दा इसको जैसे दबाओ तो मुंह खोलता है जैसे कुत्ते की तरह देख सकते हैं आप सब और कितना खूबसूरत लगता है जब इसे मुंह खोलता है तो बिल्कुल जैसे कुत्ते भोगते हैं उसी तरह से ये भी करता है ये थोड़ा मुरझा गया है इसलिए मुंह नहीं खोल रहा है अभी देख सक रहे हैं देख सकते हैं आप सब फ्रेंड्स और इस समय आप नर्सरी से जो सीजनल प्लांट हैं जैसे विंटर के तो इस समय आप वही प्लांट अभी ले सकते हैं फ्रेंड्स जो आपके गार्डन में अभी मार्च अप्रैल तक ब्लूमिंग कर सके ऐसे प्लांट्स आप नहीं ले जो जिसकी सीजन इस समय बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है विंटर के भी आप जैसे डॉग फ्लावर ले सकते हैं कैलेंडोला ले सकते हैं और पिटूनिया तो अब लेंगे तो इस समय नर्सरी में पिटूनिया की ग्रोथ थोड़ी ख़राब लग रही थी तो इसमें पिटूनिया आप नहीं ले सकते फ्रेंड्स क्योंकि उसको घना होते बूसी होते टाइम लगेगा फ्लावरिंग करने में तब तक आपका विंटर का समय चला जाएगा इसलिए आप विंटर के ये फ्लावर्स अभी नहीं खरीद सकते ये डॉग फ्लावर ले सकते हैं आप और कैलेंडोला ले सकते हैं और जैसे और डहलिया भी ले सकते हैं और वैसे तो प्लांट आप इस समय सीजनल वाला न लें न ले तो ही अच्छा रहेगा फ्रेंड्स और फिर उसके बाद मैंने हिबिस्कस के दो प्लांट्स लिए हैं इस समय आप हिबिस्कस के कोई भी प्लांट्स खरीद सकते हैं परमानेंट जो भी प्लांट हैं आप इस समय ले लीजिए फ्रेंड्स क्योंकि अब समर आने वाला है तो अभी इस समय कुछ सस्ते में मिलेंगे आपको प्लांट आप परमानेंट प्लांट ले सकते हैं ये मुझे मैंने एक औरेंज हिस्कश ली है फ्रेंड्स और ये रेड सॉयल में लगा हुआ है ये मुझे अस्सी रुपये में पड़ा है और एक ये मैंने येलो ली है येलो भी मुझे अस्सी रुपये में ही पड़ा है आप इस समय ही बिस्कस के कोई भी प्लांट ले सकते हैं ये समर में आपके गार्डन में बहुत अच्छी ब्लूमिंग करेगा आपके गार्डन को फूलों से भर देगा ये समर का बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट होता है समर और रेनी सीजन में बहुत अच्छा इसकी ग्रोथ होती है फ्लावरिंग भी होती है इसलिए आप हिबिस्कस को गुड़हल को आप जैसे देसी हो हाइब्रिड हो कोई भी गुड़हल का प्लांट आप ले सकते हैं फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आप सबके लिए आप इस समय ये ही के प्लांट्स को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए क्योंकि इस समय ये थोड़े कम प्राइस में भी मिल रहे हैं तो आप ले करके अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कर लीजिए इस समय और ये एक मेरा ये जो ऑरेंज वाला है ये हाइब्रिड वाला है लेकिन अस्सी रुपये में मिला है मुझे और ये येलो जो है ये तो मुझे देसी लग रहा है लेकिन है येलो ये मैं येलो मांग रही थी उनके पास हाइब्रिड में नहीं था तो ये खिला हुआ था मैंने खिला देख कर के लिया है इस बार फ्रेंड्स क्योंकि हर बार मैं जब लेती हूँ सब लोग बोलते हैं ऑरेंज सॉरी येलो है येलो है लेकिन मेरा ऑरेंज ही कलर का निकल जाता है इसलिए मैंने इस बार मैंने येलो देख कर के खिला हुआ देख कर के तभी लिया है जिसमें फ्लावर्स खिले हुए हैं और एक मैंने ये ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट लिया है ये मुझे सौ रुपये में पड़ा है एक सौ बीस बोल रहे थे नर्सरी वाले भैया तो मुझे मैंने इसको सौ रुपये में लिया है ये देखिए इसके फ्लावर्स थोड़ा खिले हुए थे और अच्छा हेल्दी प्लांट्स दिख रहा था तो मैंने एक ये ले लिया आप सब भी इस समय इसके प्लांट्स ले सकते हैं नर्सरी से और इस समय लेंगे तो पूरे समर और एनी सीज़न बहुत बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होती है आप इस समय ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए इस प्लांट को इस समय जो भी वैसे परमानेंट प्लांट है जैसे हो गया अडेनियम हो गए और टिकोमा हो गया और, और अलमंडा हो गया इन सब में आप ले सकते हैं ये सब प्लांट फ्रेंड्स क्योंकि इस समय इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है तो इसमें आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए मोगरे का प्लांट हो गया और चांदनी का और कनेर का भी ले सकते हैं और जट्रोफा का भी इस समय जो परमानेंट प्लांट हैं आप उसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए क्योंकि इस समय इसी की बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी इस समय अपने गार्डन में आप सभी ये प्लांट्स परमानेंट जरूर ऐड करिए और एक ये मैंने पिंक टिकोमा लिया है फ्रेंड्स से काफ़ी बड़ा और हेल्दी प्लांट्स है मैं पॉली बैग में ले रही थी तो उनके पास था नहीं तो इसलिए मुझे ये ये विथ पॉट लेना पड़ा फ्रेंड्स पॉट सही थे ये और नीचे से इसकी रूट्स भी देख सकते हैं काफ़ी बाहर तक निकली हुई है इस समय आप टिकोमा के कोई भी प्लांट्स ले सकते हैं ये मुझे सौ रुपये में ये भी पड़ा है फ्रेंड्स ये भी मैंने सौ रुपये में ही लिया है दो मुझे सौ रुपये में दो अस्सी रुपये में और दो तीस तीस रुपये में मुझे पड़ा है सभी कुल मिलाकर के मैंने चार सौ बीस रुपये दिया था यही आप इस समय टिकोमा के कोई भी प्लांट्स ले सकते हैं फ्रेंड्स और कुछ मैंने ये सकुलेंट की पत्तियाँ भी ली है और इस ये देखिए चिकनी थोड़ी रेड चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है इसकी सॉइल भी चेंज करनी पड़ेगी थोड़ी मुझे ये देख सकते हैं थोड़ी चिकनी मिट्टी में है देखते हैं या तो ऐसे ही लगा देंगे नहीं तो सॉइल इसकी बदल देंगे और कुछ सकुलेंट की पत्तियाँ वहीं पर उनके से टूट कर गिरे थे ग्रो हो गए थे तो मैंने उनसे पूछ करके पूछा तब बोले कि ले लीजिए तब मैं कुछ उनकी पत्तियाँ उठा करके लाई हूँ ऐसे ही बस पॉट में रख दिए थे सकुलेंट के ही प्लांट के पॉट में रखे थे तो मैंने ये कुछ उनकी पत्तियाँ ले ली थी फ्रेंड्स मांग करके ली थी और इसमें देख सकते हैं बेबी प्लांट्स भी निकलने लगे हैं इसमें अब देखते हैं ग्रो करेंगे होगा या नहीं जो मैं लाई थी वो मेरे सारी चिड़िया ख़राब कर दी पत्तियाँ उसकी चोच मार करके और एक ये चैन प्लांट था बास्केट प्लांट उनकी कटिंग काट करके सब ऐसे रखे थे तो मैंने उनसे पूछ करके एक ये ले लिया दो ले रही थी फ्रेंड्स तो उन्होंने बोला कि अगर दो लोगी तो एक सौ बीस रुपये देने पड़ेंगे तो अगर एक ले एक लोगी तो ऐसे ही ले लो तो मैंने एक ही लिया है फ्रेंड्स और एक साठ रुपये में ऐसे दे रहे थे बोले थे कि अगर दो लोगी तो एक सौ बीस रुपये देने पड़ेंगे और ऐसे फ्री में एक ही प्लांट दे दिए मुझे मैंने कहा चलो ठीक है एक ही प्लांट लेंगे देखते हैं अगर ग्रो हो जाएगा तो अच्छी बात है वैसे ग्रो होता तो बहुत अच्छा होता है ग्रो और कुछ मैंने सीड के सीड भी लिए हैं समर सीड फ्रेंड्स इस समय आप समर के सीड भी इस समय आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन चाहे तो खरीद सकते हैं नर्सरी से भी कहीं से और ये एक पोर्चुलाका का है आप इस समय सीड समर के आप प्रिप्रेशन शुरू कर दीजिए सीड सब ग्रो करिए फ्रेंड्स क्योंकि इस समय सीड ग्रो करेंगे तभी आपके गार्डन में अप्रैल मई में आपके गार्डन बहुत अच्छे से फ्लॉरिंग होगी और ये मुझे पड़ा है तीस रुपये में फ्रेंड्स और जो मैं ऑनलाइन लेती हूँ तो वो मुझे पंद्रह रुपये में पड़ता है वहाँ देखा मैंने तो फिर सोचा चलो ले लेते हैं यहीं से और इस, इस समय मैं सोच रही हूँ समर में थोड़ा कम ही मैं सीड से अपने ग्रो करूं क्योंकि समर में रखना मुझे थोड़ा दिक्कत हो जाता है टेरेस पर कुछ है नहीं उसको वहाँ ग्रीन नेट भी लगाने के लिए तो इसलिए मैं सोच रही कम ही प्लांट लग रखते हैं परमानेंट प्लांट रहेंगे एक जीनिया ली हूँ फ्रेंड्स ये और ये भी मुझे तीस रुपये में ही सब तीस तीस रुपये में तीनों सीड मुझे पड़े हैं ये जीनिया है ये भी मैं एक ले ली हूँ इस समय आप समर सीड जरूर ले लीजिए फ्रेंड्स चाहे तो आप प्लांट लेना चाहते हैं तो नर्सरी से प्लांट भी ले सकते हैं और एक कोचिया ली हूँ मैं और सीड भी इस समय आप ले करके ग्रो करिए नहीं तो समर में लेट हो जाएगा फ्रेंड्स इसलिए मैंने ये सारे सीड ले लिए हैं अभी से और थोड़ा टेम्परेचर इस समय गर्म हो रहा है तो उसमें सोच रही हूँ कि कुछ दिन देखते हैं फरवरी थोड़ा दस पंद्रह फरवरी के बाद ही मैं सबको ग्रो करूँगी क्योंकि इस समय बारिश भी हो रही है हमारे यहाँ इसलिए ये भी नहीं ग्रो करूँगी फ्रेंड्स और कुछ मैं ये पोर्ट्स गई थी मैं माँ विंध्यवासिनी माँ के दर्शन करने विंध्याचल तो वहाँ से दे रहे थे सब पंद्रह रुपये में है ये एक पीस पंद्रह रुपये में पड़ा है पर पीस मुझे पंद्रह रुपये में और पचहत्तर रुपये में मैं पाँच पीस ली हूँ यही मेरी इतनी सी शॉपिंग है फ्रेंड्स और अगर आप सबको ये मेरी शॉपिंग कैसी लगी अच्छी है या नहीं मेरे प्लांट महंगे तो नहीं फ्रेंड्स आप सब जरूर बताना कमेंट करके कि मेरे प्लांट्स कैसे हैं आप सब भी इस समय कौन कौन से प्लांट्स ले सकते हैं फ्रेंड्स मैंने बताया है क्योंकि इस समय आप परमानेंट प्लांट पर ज़्यादा फोकस करिए सीजनल प्लांट पे आप सब ज़्यादा फोकस मत करिए क्योंकि सीजनल प्लांट अब ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है ये कम ही दिन के मेहमान हैं तो इस पर आप अपना पैसा वेस्ट मत करिए मैं तो ऐसे ही ले ली इसके सीड को सेव करने के लिए ले ली हूँ फ्रेंड्स नहीं तो मैं भी नहीं लेती क्योंकि मैं सोच रही हूँ परमानेंट ही प्लांट अपने समर गार्डन में ऐड करूँ और एक ये देखिए गजानिया का फ्लावर्स आज अलग कलर्स का निकल कर आया है बहुत खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स और एक ये पहले से ही जो खिल रहे थे और एक ये देखिए एक ये तो सब पहले से ही खिल रहे हैं फ्रेंड्स और ढेर सारे खिले हुए हैं और ये देखिए एक ये नया कलर निकल कर आया है ये भी बहुत प्यारा लग रहा है और एक ये देखिए सब सीड से ही मैंने ग्रो किया है फ्रेंड्स ऑनलाइन सीड से ही सभी अब कितने खूबसूरत लग रहे हैं इस समय आप परमानेंट ही प्लांट लीजिए फ्रेंड्स नर्सरी से तो अच्छा रहेगा क्योंकि सीजनल प्लांट लेने में कोई फ़ायदा नहीं है इस समय क्योंकि वो एक दो मंथ ही खिलेंगे अब कोई पैसा वेस्ट क्यों करना है इन सब के पीछे आप सब ज़्यादा से ज़्यादा परमानेंट के प्लांट के ही पीछे खरीदिए फ्रेंड्स उन्हीं के पीछे अपना पैसा लगाइए मेरा तो यही करना है अब आप सबकी जैसी मर्जी इच्छा हो जैसी लेकिन इन सबका तो अब सीजन जाने वाला है तो क्या फ़ायदा पहले से ही लेकर के लगाएंगे तो अच्छा रहता है कुछ दिन गार्डनिंग में मज़ा आएगा तो चलते हैं फ्रेंड्स ओके बाय